वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माई चैनल बी ए पी। आज हम बात करेंगे नारायण कृष्णन की, जो कि मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आज हम जानेंगे कि वो कैसे एक शेफ से एक सोशलिस्ट बने। यह बात 2002 की है। वह मंदिर गए, वहाँ उन्होंने देखा कि एक आदमी ह्यूमन वेस्ट मंदिर के बाहर फेंके हुए कचरे में से खाना खा रहा था। उसे देख वह तुरंत ही पास वाली होटल पर गए, वहाँ से खाना लेकर उसे खिलाया। नारायण कृष्णन कहते कि मैंने आज तक इतना तेज किसी को खाते हुए नहीं देखा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और वह आंसू अंदर से जागृत खुशी के थे। नारायण ने उसी दिन अपनी जॉब, जो कि एक 5-स्टार होटल में शेफ की थी, वह छोड़ी और कहा कि मेरी ऐसी स्टार होटल में खाना खिलाने का क्या मतलब, जब अपनी ही सोसाइटी में लोग भूखे रहते हो। उन्हें अपनी होटल की ब्रांच से स्विट्ज़रलैंड से भी ऑफ़र आया, वह भी उन्होंने ठुकरा दिया और लग गए समाज सेवा में, जैसे कि लोगों की सेवा करना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें नहलाना और उनके बाल तक भी काट दिया करते थे। यह शुरुआत भी उन्होंने 2002 में ही करी। सुबह खाना बनाकर अपने घर से एक छोटे रिक्शों में भरकर मदुरई की सड़कों पर निकल पड़ते थे और रास्ते में जो भी गरीब असहाय लोग मिलता था उसे खाना खिलाते थे। वह कहते कि खुशी 5-स्टार होटल में खाना खिलाने में नहीं है जितनी कि इन लोगों की सेवा करने में मुझे मिली। उन्हें CNN हीरोज में भी चुना गया। CNN हीरोज़ वो होते हैं जो कि अपना हित छोड़कर समाज सेवा में लग जाते हैं। अंततः मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे, और एक बार आप भी समाज सेवा करके देखें और खुद हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए।